नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लिफ्ट इंडिया। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव में प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि आरजेडी के सभी बड़े नेता मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव में लगे, वही नीतीश कुमार ने इससे किनारा कर लिया है। रेलवे की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे ने एसआई और कांस्टेबल पोस्ट के लिए महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी निकाली हुई है। क्या है इसकी आखिरी तारीख, कब से शुरू होगा आवेदन और क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहें। चिराग पासवान का बड़ा बयान, केंद्र में लोजपा बीजेपी के साथ, वहीं राज्यों में अपनी अपनी सीटों पर ही लड़ेगी चुनाव। दोनों पार्टियों की उम्मीद की जा रही थी कि उपचुनाव में और बाकी चुनाव में दोनों एक साथ लड़े। मोकामा उपचुनाव में इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में अनंत सिंह के सपोर्ट में आरजेडी और जदयू के सभी बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। सभी बड़े नेता चुनाव प्रचार में अनंत सिंह की पत्नी को विजय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि जो दूसरी पार्टी है वो सिर्फ मोदी लहर के भरोसे है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चर्चा है कि जेडीयू और आरजेडी दोनों का विलय करके एक नई पार्टी बनाई जाएगी। उस पार्टी के अध्यक्ष कौन होंगे और उसे लीड कौन करेगा, उस पार्टी का सिंबल क्या होगा, इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। अभी उपेंद्र कुशवाहा ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से पिछड़ों की विपक्ष में रही है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ मिल जाने के बाद से ही बीजेपी को पिछड़ों का और दलितों का बड़ा वोट बैंक मिल गया है। तब से ही वो पिछड़ों का नेता बन गई है। यूएन में लगी पाकिस्तान को बड़ी फटकार, उसके साथ ही ग्रे लिस्ट से बाहर करने की भी चर्चाएं तेज है। ऐसे में यूएन ने कहा कि आप अपने यहां आतंकवादियों को पनाह देने से बाज आइए, नहीं तो की जा सकती है बड़ी कार्रवाई। नगर निकाय चुनाव को लेकर के हाई कोर्ट में दलीलें जारी हैं। उसमें हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि वो शर्तों के साथ चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी शर्तों के हिसाब से ही चुनाव होना चाहिए और इसमें कोई भी अगर कोताही बरती गई तो फिर से इसे कैंसिल किया जा सकता है। मोकामा उपचुनाव में बीजेपी अपने सबसे स्टार प्रचारकों को भी भेज सकती है। ऐसे में सभी बड़े नेताओं को वहां पे भेजा जा रहा है। बिहार आने के लिए सभी ट्रेनों में भीड़ लगी हुई है। ऐसे में रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, साथ ही टिकटों की भी कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। फिर भी रेलवे जो है इन सभी को सीटें मुहैया कराने में असफल हो रहा है। ऐसे में सरकार बड़ी फैसला ले सकती है। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि जल्द ही बिहार में सरकार बदलने वाली है और नीतीश कुमार फिर से बीजेपी का दामन थाम लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले अगले चुनाव में नीतीश कुमार का नामो निशान मिट जाएगा, वो कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहे न्यूज लिफ्ट इंडिया के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।